ਨਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਨਕਸ਼ਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੀਡਰਸ ਦੇ ਦੇਖੇ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਕਸ਼ਤਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੋ ਆਪ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰਫੋਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਬੋਲੋ 1 ਤੋਂ 249 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਦੇਖ ਲਈਏ 23 ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ अच्छा करण इस बारे तुसी जानकारी दे सकते हो कि आखिर जिहड़ियां इंटरेस्टिंग सीट्स ने उत्थे किसदे चांसेस जिहड़े ज्यादा हो सकदे ने जित्तण दे तुसी कोई सीट दा एग्जांपल हो ते बंदे दा रोकी क्योंकि अमृतसर ईस्ट दी गल कीती जावे सब तो ज्यादा इंटरेस्टिंग सीट इस वेले उही है करण क्योंकि वो तो नवजोत सिंह सिद्धू ते बिक्रम मजीठिया फाइट दे विच ने हालांकि जे आम आदमी पार्टी दी गल कीती जावे तो जीवनजोत जी ने इस दे नाल ही आलूवालिया जी जिहड़े ने उह बीजेपी तो ने सीनियर ऑफिसर नूं उहनां वल्लों उतारिया गया है उत्थे दी फाइट नूं जे देखिए ज़्यादातर यही देखने नूं लग रहा है कि जिहड़ी फाइट बिक्रम मजीठिया ते नवजोत सिंह सिद्धू दे विच है कोई जानकारी मिल सकती है कि आखिर कौन लीड कर सकता है उत्थों जे मैं देखा मैं सिद्धू दे परस्पेक्टिव तों लाया कि नवजोत सिंह सिद्धू जी दी की चांसिस ने ठीक है थोड़ा उन्हां नूं टफ कॉम्पीटिशन जरूर मिलेगा पर उन्हां दी लीड च रहण दे काफ़ी चांसिस ने ते जे मैं सारे कार्ड्स देखा जिहड़े मैं कार्ड्स कढ़े ने वह सारे ही पॉजिटिव आए हैं तो लीड च बनने के काफ़ी चांसिस ने उन्होंने ठीक है बट यह है कि उन्होंने थोड़ा कुछ ना कुछ न्यू चीज़ का सामना करना पेगा ठीक है जिस कारण उन्होंने हो सकता है कि एक फाइट मिले ठीक है तो ही विल हैव टू चेंज हिज स्ट्रैटेजी फ्रॉम नाउ ऑन मतलब जे जेड़े भी अगे इलेक्शन होंगे उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी वगैरह चेंज करने की लड़ पेगी जित हासिल कर सकते हैं मजीठिया साहब बारे दस रहे लाया तो वरिष्ठ लगन की कुंडली आई है चंद्र के नाल राहु बैठ गया लगन के विच तो सफलता मिलनी इस टाइम इन्हों मुश्किल है और कितने ना कि इन्होंने कोई मानसिक टेंशन भी बहुत होनी इन्हों जो आप पब्लिकली नहीं कह सकते कितना कि कोई मानसिक शांति के भी है कुछ ना कुछ तो इन्होंने भी चांस नहीं लग रहे जी वैसे भी जेल च रह के मानसिक शांति जेड़ी है किसनू चंद्र और राहु आ गए जी मैं भी इन्हां दी प्रश्न नहीं लगाया मेनू भी नहीं लगता क्योंकि कुंडली तो इन्हां दी नहीं सी अवेलेबल सो इसलिए मेनू भी नहीं लगता कि इन्हां दी कोई परंतु आने वाले टाइम दे विच क्योंकि 11वें घर दे विच इन्हां दे विच आ गया सूर्य ते गुरु आने वाले टाइम दे विच इन्हां नू गवर्नमेंट दी तरफों गवर्नमेंट चाहे किसी ने भी बने चाहे किसी ने भी बने गवर्नमेंट इन्हां नू गवर्नमेंट की तरफों फायदा मिलने वाला है इन्हां नू गवर्नमेंट तो फायदा मिलेगा क्या डील होएगी क्या नहीं होएगी असीं नहीं कह सकते इस स्टेज पर बह के परंतु इन्हां नू गवर्नमेंट तो फायदा होएगा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सीगा जिहड़ा तुसीं दस्सिया ये मैं पूछने वाली सी अगला सवाल करण तुसीं कार्ड्स दोबारा तो ओपन किए ने किस बारे ने ये मैं तुसीं जिवें दो कैंडीडेट सी ते मैं दूजे कैंडीडेट दा देखा कि चांसिस ने ते उहनां दा जिहड़ा आए ने बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग कार्ड्स नहीं आए ठीक है उन्हों का थोड़ा ये दिख रहा है कि उन्होंने आइदर मतलब स्टेशन कार्ड्स कड़े से मैं कि आइदर ही विल हैव टू काइंड ऑफ एंड हिज पॉलिटिकल करियर और स्टार्ट अ फ्रेश क्योंकि चीज़ा उन्होंने फेवर च नहीं आ रही या फिर वह इदा दे करिए कि वह सब कुछ ही यू नो स्क्रैच तो द्वारा से बिल्डअप करना शुरू करन या फिर वह अपना इनू एंड ही समझन ठीक है क्योंकि उन्होंने जो कार्ड्स ने ज़्यादा वधिया नहीं है तो थोड़ी मूवमेंट भी शो हो रही है उन्होंने ते हो सकता है किसी पासे मूव करके मे बी ही विल कम बैक स्ट्रॉन्ग और आइदर ही विल लीव ओके